सरारा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध मादक पदार्थ 1 किलो 311 ग्राम गांजा के साथ एक युवक को किया गया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट द्वारा मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए अभियान चलाकर अपराधियों की धरपकड़ के लिए सरारा पुलिस ने गश्त के दौरान रात्रि में शराना लादूराम पुत्र कजोर प्रजापत उम्र 34 वर्ष निवासी सराना से 1 किलो 300 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं गिरफ्तार करने के बाद अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के संबंध में गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर टीम गठित कर कार्रवाई की गई, जिसमें घनश्याम शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केकड़ी व खीव सिंह वृत्ताधिकारी केकड़ी के नेतृत्व में शराना थाना उप निरीक्षक मोतीलाल शर्मा, हेड कांस्टेबल नंदलाल सौदान लाल, कांस्टेबल रंजीत सरदार, दीपक सुरेंद्र सिंह मौजूद रहे। अग्रिम अनुसंधान पुलिस थाना सावर थानाधिकारी रामस्वरूप के जिम्मे सौंपी गई है। सरवार से संवाददाता शिवशंकर वैष्णव की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक अजमेर श्री चुनाराम जी द्वारा जिले में नशे के विरुद्ध चलाए गए अभियान के दौरान श्रीमान एडिशन एसपी केकड़ी, घनश्याम जी शर्मा सीओ केकड़ी, खीव सिंह राठौर साहब ने मन थानाधिकारी के एक टीम गठन किया, एनडीपीसी कार्रवाई करने का निर्देश किया गया। इस दौरान मन थानाधिकारी ने मेरी टीम शोधान सिंह हेड कांस्टेबल, नंदलाल हेड कांस्टेबल, दीपक कांस्टेबल के साथ कल रात्रि गश्त के दौरान एक व्यक्ति लादूराम पुत्र कजोर प्रजापत को 1 किलो 311 ग्राम गांजे के अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया, माल बरामद किया गया, मुझे वो गिरफ्तार किया गया। इसमें पत्ती की जा रही है मोतीलाल शर्मा।